कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल नहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर कहूंगा नहीं। गर्ल्स रेडी, है सचमुच ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। पिछले 2 सालों से फेस्ट तो दूर की बात है, कॉलेज तक की शक्ल देखने को नहीं मिल रही थी, और अब जब मैं कॉलेज में फाइनली वापस आ चुका हूँ, मेरी कॉलेज लाइफ का सिर्फ 1 से 2 महीना बचा है। मैं आज तक अपने कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज के फेस्ट में नहीं गया हूँ, लेकिन इस व्लॉग के बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो गई है। For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. तो यार अब हम आ चुके हैं NSUT में और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और 2:30 यहाँ पे एक मीटअप है, कुछ नेस की लॉन है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, पूछ पूछ के चलते हैं। अब सब आ गए होंगे, निशान भैया और यश वगैरह, चलो चलते हैं। तो आज तक मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखा करता था कि वो अपना मीटअप कर रहे हैं, YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं, और आज मेरा खुद का मीटअप था। निशान भैया ने और यश ने स्टोरी डाल दी थी कि 2:30 मीटअप होने वाला है NSUT में, और एक लोकेशन दे दी थी। पहली बात तो मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मिलने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो हुआ अलग लेवल। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे बहुत लोग आके ऑलरेडी मिल के जा भी चुके हैं। हाँ बहुत लोग आए थे, बहुत। ठीक है, तो कीर्ति दी जा रही हैं। बाय, अच्छा लगा हरमन के से मिलके। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भैया का भी। मेरा मेरा नहीं नहीं, भैया का भी डाल देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। जरूरत नहीं है, हरमन के फैंस। कैसे हो सर? बढ़िया, एकदम मस्त, स्ट्रेट फ्रॉम गोवा हरमन सिंह। यस, गोवा खत्म ही नहीं हो रहा भाई। लाइक गोवा खत्म नहीं हो रहा भाई। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. अब यार NSUT में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने सारे लोग आएंगे, क्योंकि ना ही वहाँ पे कॉल्स मिल रहे थे, ना ही वहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर कोई तुमसे अलग एक बार हो गया तो भाई उसके मिलने के चांसेस क्लोज टू ज़ीरो है। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, यश निशान सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और मैं खुद खो गया था यार, मैं तो अपने दोस्तों से दूर हो गया था, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। भाई कुछ पी लें यार, प्यास लग रही है, पकड़ियो। देखते हैं यार एंट्री मिल जाए बैक स्टेज, तो करते हैं कैसे, कुछ जुगाड़ करते हैं। भाई ऊपर से ना नेटवर्क आ रहे हैं, ना तुम किसी को फोन कर सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो, कॉल नहीं लग रहे हैं यार। एक बार तुम अपने दोस्तों से दूर हो गए ना, फिर यहाँ पे मिलने के चांसेस जीरो हैं। तुझे हमने कितनी मुश्किल से ढूंढा है वहाँ पर भाई, बहुत मुश्किल से भाई। मैं, मेरे को लगा मेरा तो गया फेस्ट, अकेले करना पड़ेगा। तो यार बड़ी मुश्किल से खाना मिला है हमें, कुछ खाने को। मोक्षा को इतना ग्रैंड बनाने में कोडिंग निंजास का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि कोडिंग निंजास था टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोक्षा 2022। कोडिंग निंजास है यार इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी, जहाँ पे आपको बहुत सारे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मैंने पर्सनली अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन के वक्त कोडिंग निंजास का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स यूज किया था, इसीलिए तो कोडिंग निंजास का बैग था मेरे पास। कोडिंग निंजास से आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, DSA सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, एंड्रॉइड सीख सकते हैं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने आप वो भी कर सकते हैं। कोडिंग निंजास की बेस्ट चीज लगती है मुझे उनका TA सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट आता है, आपको एक TA असाइन कर दिया जाता है, आप अपने टीचिंग असिस्टेंट से सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहां पे आपको 20% ऑफ मिलेगा कोर्सेज के ऊपर। आई हाईली रिकमेंड कोडिंग निंजास टू यू गाइस, काफी अच्छा डिस्काउंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। बस बढ़िया है। अच्छा, कैसे हो? कहां से? कौन से कॉलेज? हेलो भैया,
चले ना। हाँ भाई बड़े लेट बोल रहे हो। हरमन सिंह बहुत लोग मिल रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है आज बहुत। वो मेरा ब्लॉग चल रहा है वहाँ पे। थैंक्स ब्रो। हेलो भैया, मजा आ रहा है फेस्ट में? यार भीड़ बहुत है यार, बहुत बहुत भीड़ हो जाती है। हेलो भैया, आपको ऐसा लग रहा है इंजन भाई? फर्स्ट टाइम है मेरे साथ, तो कॉलेज में मिलते हैं, मेरे कॉलेज में बच्चे कम हैं, बट काफी लोग मिल चुके हैं मेरे कॉलेज में। आईटी के अलावा किसी फेस्ट में गए हो आज? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये आपका पहला आउटसाइडर वाला फेस्ट है? वही वही वही। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज्यादा भीड़ होगी, मतलब अलग ही लेवल। और थोड़ा सा चलते हैं कोई ना कोई मिल जाता है, एक जगह खड़े हो जाओ तो बहुत ही लोग मिल रहे हैं। मेरे को अजय भाई का डायलॉग याद आ रहा है कि यश भाई, इन्होंने ना इतने पे ही 1 मिलियन वाली फील दे दी है। बिल्कुल सही है ब्रो, सही है। लगा लो भाई, ये परफेक्ट है। मैं और जो हजारों लोग वहां पे पहुंचे हुए थे वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी बिस्वा एंड के परफॉर्म लाइव। लेकिन अपना तो यूट्यूब चैनल भी है और हमें वीडियो भी बनानी है, तो स्ट्रगल बहुत रियल था बिकॉज हमें चाहिए थी बैक स्टेज एंट्री और जो फ्रंट रो होती है ना वहां पे हमें एंट्री चाहिए थी, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। लेकिन तो यार मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर खड़े हैं अभी, उनको एंट्री नहीं मिल रही है। ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जैसे कि तुमने वीडियो में देख ही लिया है, जो बच्चे हैं भाई वो पूरा बाउंड्री लांग लांग के अंदर आ रहे हैं। यार कोई दिक्कत ही नहीं हुई यार वीआईपी एक्सेस में, हमें देखते ही अंदर बुला लिया, बुला रहे हैं। चलो यार फाइनली एंट्री तो हुई कम से कम। हाय ब्रो, थैंक यू यार एंट्री के लिए। हां माय मॉम इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर। ओ द फर्स्ट एक्ट यू आर ईगरली वेटिंग फॉर, मेक सम नॉइज फॉर नन अदर देन बिस्वा, लेडीज एंड जेंटलमैन। वाओ, देयर सो मेनी पीपल, ऑल पीपल आर हियर ऑफ द प्लेनेट और व्हाट। और यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, कि जब बिस्वा परफॉर्म करने आया तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, सब चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बिस्वा ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एंड सब के चिल्ला रहे थे, तो वो मुझे लगा यार काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था एक आर्टिस्ट के लिए। हियर येट ही इज कमिंग, योर शाउटिंग डज नॉट रिड्यूस द ट्रैफिक आउटसाइड फ्रेंड्स। के इज कमिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन टू के, नॉट माई सेल्फ, ओके आई हैव टू गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, go crazy, make some noise for KK, everyone. You aaj kahani kam khab zyada hai, lagta khuda ka koi ek irada hai, lagta khuda ki aaj dil shehzada hai, lagta khuda ka koi ek irada hai. क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार, क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार, ओ 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 खुश नसीब है चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल नहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर कहूँ ना। रेडी आओ
है सचमुच मारोगे क्या All right, girls, I love your voices. Come on, one more time. One, two, three, go. Oh,